हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका इस चैनल अंकुर ग्रेट लाइफ नो एक्सक्यूजेस में स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आपको जैसा पता है कि हम इस चैनल पर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में, तो सर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है, और इस बेसिक बातों को अगर हम फॉलो किए तो आने वाले समय में हम बहुत ऊपर और बहुत अलग लीडर उभर के आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मीटिंग को। सारा कुछ बेसिक सही होता है, मेरा पहला पॉइंट है सारा कुछ बेसिक सही होता है। बेसिक हमारा क्या है सर? प्लान देना, फॉलोअप करना, सेल्स को क्लोज करना, मीटिंग को अटेंड करना, सेमिनार को अटेंड करना, ट्रेनिंग को लेना, इन सब चीज़ों पे हमको हमेशा फोकस रखना है। इन सब चीज़ पे हमें हमेशा फोकस्ड रहना है। जिस भी शहर में हमारा टीम है, उस शहर के लोगों के हमको अपने कंपनी के ट्रेनिंग सेक्शन से मिला के रखना है, जोड़ के रखना है। ट्रेनिंग के में सेमिनार में अपनी टीम को जो ज्वाइंट करके रखना है, हमें कंपनी के थ्रू उसको नए एसोसिएट को मिला देना है। ये हमारा बेसिक काम होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि सर मेरे अनुभव के अनुसार प्लान तो ठीक है, लोगों को समझ में आता है, लेकिन रिजल्ट सर आपका फॉलोअप से ही निकलता है। तो फॉलोअप करने में कभी नहीं चुकिएगा, फॉलोअप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किया कीजिए। और सर एक बात मैं बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सारा खेल सोच का होता है। आपका सोच कितना बड़ा है, आपका ड्रीम कितना बड़ा, आपका विज़न कितना बड़ा है, ये बहुत मैटर करता है। अपने सोच को ज़्यादा बड़ा से बड़ा बनाइए, अपने विज़न को जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए, अपने ड्रीम बुक को जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करिए, क्योंकि सर आपका विज़न और ड्रीम और माइंड सेट ही आपको इस बिज़नेस में सफल कराता है। तो सर ये बहुत अहम रोल है ड्रीम का। जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा, जब तक आपका सपना नहीं होगा, आप इस बिज़नेस में चल नहीं पाइएगा। तो हम चाहेंगे सर अपने ड्रीम पर काम कीजिए, अपने विज़न पर काम कीजिए, और ज़्यादा जितना ज़्यादा बड़ा सपना देख सकते हो तो ज़्यादा बड़ा सपना आप देखिए और उस पर काम कीजिए। आप जरूर एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और सर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो वो होता है अपलाइन का। सर दुनिया की बात एक तरफ कर दीजिए, अगर अपलाइन की बातों पर अगर आप फोकस करना शुरू कर दिए तो निश्चित सर एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी जो अपने जीवन में आप चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सर अपलाइन का एक अलग महत्व है, या एक अपलाइन बेस्ड कंपनी हम कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग को। मेरे हम अपनी तरफ से कहते हैं एक अपलाइन बेस्ड कंपनी है ये। अगर किसी के ऊपर अपलाइन नहीं हो तो कोई बढ़ नहीं पाएगा, जब कोई बढ़ेगा नहीं तो फिर कंपनी चल नहीं पाएगी। तो सर अपने अपलाइन पे, अपलाइन को एक गुरु की तरह मानिए सर, गुरु का महत्व दीजिए सर अपलाइन को, अपलाइन को एक गुरु मानिए अपना। और सर अपलाइन अगर आपका सही मिल जाए सर तो आप इस बिज़नेस में आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा सर। अगर एक अपलाइन अगर आपका गलत चुनाव हो जाए तो वो अपलाइन आपको इस बिज़नेस में आपको शायद नहीं बढ़ा पाए। तो अपलाइन की चुनाव सर बहुत सोच समझ के कीजिएगा, किसी एक का बन के रहिएगा, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर हमारे ऊपर बहुत सारे अपलाइन होते हैं, लेकिन हमें किसी एक का बन के रहना है जो हमें बहुत ऊपर तक ले जा सके। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं सर तो एक बात का हमेशा फोकस करिए कि आपका पर वीक चेक बढ़े, क्योंकि अगर आपका चेक बनेगा तो ही आपका टीम मोटिवेट होगा, और जब आपका टीम मोटिवेट होगा तो ही वो टीम आपके साथ काम कर पाएगा। तो अपना चेक तो बना ही नहीं बनाना है, और साथ में टीम का भी चेक बनाना है, टीम के भी चेक पर फोकस करना है, टीम को भी लेके चलना है। अगर अपना चेक सप्ताह का 5,000 का बन रहा है तो टीम का भी कोशिश करना है कि वीक का कम से कम 2-3,000 का बने। अगर अपना चेक 20,000 का बन रहा है तो टीम का कोशिश करना है 15-17,000 बने। टीम का चेक आपसे बड़ा से बड़ा बन जाए, आपसे भी बड़ा टीम का चेक बन जाए, ऐसा कोशिश करना है। अगर आप 20,000 कमाएं तो वो 50,000 कमाएं, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो आपको फायदा दिखे जाएगा सर। तो सर आपको बड़ा से बड़ा चेक अपना ही बनाना है और अपनी टीम का भी बनवाना है। इसके लिए सर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोर टीम की जरूरत पड़ेगी। आपके पास एक मल्टी मिलीनियर कोर टीम होना चाहिए जो एज डुप्लीकेट एज यू, जैसा आप हैं वैसा ही वो होगा। तो ऐसा एक टीम क्रिएट करिए, कोर टीम का चॉइस करिए, और अभी वक्त है कि आप कोर टीम चुन सकते हैं, आप उसका चॉइस कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे सर आप कोर टीम का चुनाव कीजिए और अपने कोर टीम के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। आप ज़्यादा नहीं, 2 कोर लेफ्ट से चुनिए, 2 कोर राइट से चुनिए, और उन्हीं 2-4 लोगों के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिए आप। और देखते 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 जाइएगा कैसे उन 2 लोगों के नीचे 4 लोग आ जाएंगे, और इन 2 लोगों के नीचे 4 लोग आ जाएंगे, 4 से 8, 16, 32 कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बेसिक बात बता रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत बेसिक बात है, सिंपल बात बना है, फिर से रिपीट करेंगे सर। सबसे पहले प्लान पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कराना अपने नेटवर्क से। दूसरा, आपको फॉलोअप पे पूरा जोर लगा देना, क्योंकि प्लान तो लोग ठीक है समझ जाते हैं, लेकिन फॉलोअप से ही रिजल्ट आता है, तो आपको फॉलोअप करना ही करना है। तीसरा, आपको सिस्टम के कंपनी के आपको ट्रेनिंग सेक्शन से जोड़ के रहना है अपने आप को, और अपने टीम को जोड़ के रखना है, और सेमिनार से जोड़ के रखना है। और दूसरा बात की ड्रीम विज़न को बड़ा से बड़ा देखिए, आप विजनरी लीडर बनिए, आपका विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए। और जो मैं नेक्स्ट बात आ रहा है सर, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए सर, आप कुछ एक निश्चित टाइम से, जैसे सबसे पीक आवर होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग करने का 6:00 से 10:00 और 6:00 से 10:00, ये बहुत पीक आवर है।
इस समय सर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकल के आता है, तो सर आप इस वक्त काम कर सकते हैं। और चूँकि अभी लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप जूम मीटिंग या किसी भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप काम कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने टीम से आप कनेक्ट रहिए, क्योंकि जब तक आप टीम से कनेक्ट नहीं होंगे सर आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई वजह नहीं होता, क्योंकि टीम की वजह से हम और आप होते हैं। आज जो कुछ भी सर साल डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आज साल डेढ़ साल में सीखने को मिला है सर, मैं चाहता हूँ सर कि मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ एक मैसेज के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अगली वीडियो का कोई इंतजार है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।